RLSDC गठन करने के मुद्दे पे चल रहा है। हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगे हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार सुनती नहीं है और हमारा कोई उसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारा सरकार हमारे बारे में सुने और हमारा कुछ करे। ये तमाम अस्थायी कर्मचारी है जो सरकार से अपनी मांग को रखते हुए नजर आ रहे हैं। मैम कहाँ से आए हैं और किस मांग को लेकर? मैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की स्टाफ हूँ। हम प्लेसमेंट कर्मी वहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हक में आज तक भी कोई कार्य नहीं किया गया सरकार के द्वारा। पिछली सरकार ने हमें काफ़ी वादे करके कहते हैं कि आपको RLSDC में कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि उसका गठन जल्द से जल्द किया जाए और हम प्लेसमेंट कर्मी के हक में अच्छे से अच्छा हमारे लिए एक फैसला सुनाया जाए, क्योंकि हम जो जिस सैलरी पर काम करते हैं उस पर हमारा घर नहीं चलता है। मतलब यहाँ जो काम करे 5,000-7,000-8,000 इससे ज़्यादा पे कोई काम नहीं करते पूरे राजस्थान लेवल पे। और हम लोग, हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जैसे तैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा के इधर उधर जैसे तैसे काम चलाते हैं, लेकिन ये हालत है कि हम ट्यूशन तक भी उस पैसों से पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को। खाना खिला दे वही काफ़ी है बस। तो आपसे इतनी प्रार्थना है कि क्या नाम है, हमारी सरकार तक इतनी वो पहुँचा दो कि हम लोग। मैम तेरा मांगे कौन कौन सी मांगे? एक तो समय पे वेतन दिया जाए और हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, और RLSDC के गठन में जो हमारे लिए होना चाहिए वो जल्द से जल्द उसको पारित किया जाए। मैम सर कहाँ से आए सरकार? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो RLDC जो बोर्ड उन्होंने हमारे लिए स्थापित किया उसको जल्दी से जल्दी गठन करके हम लोगों को समान वेतन दे, जो उस गवर्नमेंट कर्मचारी जिस वेतन पर काम कर रहे हैं हमको भी कम से कम उसके समर्थन वेतन दिया जाए। सर हम ठेकापरता जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये सबसे शोषित और पीड़ित वर्ग है, क्योंकि इनको 3,000-4,000 या 5,000 के आसपास इनको सैलरी मिलती है। पूर्ववर्ती सरकार जो है उसने अपने आचार संहिता से पहले कैबिनेट की जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें राजस्थान में RLSDC बोर्ड का गठन करते ठेकापरता को ख़त्म करने का प्रण लिया था, लेकिन उस समय आचार संहिता लग गई और उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो वर्तमान भजनलाल सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसका जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करके इस सबसे शोषित और पीड़ित वर्ग को न्याय दिया जाए। हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, जिसमें SPF काटा जाए इनका, इनकी सैलरी समय पे दी जाए, इनको उपयुक्त सैलरी दी जाए। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ धरना कर रहे हैं। ये हजारों की संख्या में आप यहाँ लोग देख रहे हो और लाखों की संख्या में ये लोग पीड़ित है। कई लोगों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, इतना किराया भी उनके पास नहीं रहता। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जब वो अपने अधिकार की मांग करते हैं, जब टेंडरधारी द्वारा उन्हें हटाए जाने का प्रयास किया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उन्हें डराया जाता है। कल 15 ऐसे साथी थे जो इस धरना में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन टेंडरधारी द्वारा उनसे ये कहा गया कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए और एग्रीमेंट कर दीजिए कि हम नौकरी को छोड़ रहे हैं, फिर आप धरने में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें शोषण हो रहा है, जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ हम इस भाजपा सरकार को लेकर आए, और हमें उम्मीद है इसकी इस आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हम ग्राम पंचायत चौकीदार हैं, कई वर्षों से पीड़ित है, 3,000-4,000 रुपए की नौकरी करते हैं, सरकार 12,000 का बिल, सरकार की तरफ से 12,000 रुपए मिलते हैं, ये ठेकेदार लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आज भी पूरे संगठनों को आने नहीं दिए, आपको नौकरी से हटा देंगे। और ये इतने पावरफुल लोग हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं जो हम न्याय भी नहीं मांग सकते, या तो हमारा जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो। कईयों को तो वापिस पैसे लेने के लिए घर आ जाते, जैसे मेरे 10,000 आ गए तो ठेकेदार बोल रहे 5,000 डाल, नहीं दे तो ये बहुत बड़े लोगों के। इस राजस्थान में सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त करो, और मैं पप्पूराम गुजर राजीव गांधी ग्राम पंचायत चौकीदार ये कह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है जमीन स्तर पर, आज भी अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलामी सह रहे हम लोग। पहले अंग्रेज ही बढ़िया थे तो आज न्याय का पैसा तो मिलता था, और इस जमाने में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार एक चीज करे, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद, भ्रष्टाचार तो ज्यादा हो रहा है। हमें हमारे जूते घिस गए, CS को दे दिया, मुख्यमंत्री के जाके कोई सुनने वाला नहीं है। और इस सरकार के अंदर जो बजट घोषणा है सरकार की, वो नोटिफिकेशन जारी करने में ही इतने टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं 3-3 महीने हो गए, पूरा बजट पेश हो गया, लेकिन सरकार का जो मंत्रिमंडल का फैसला भी लागू नहीं कर रहे हैं। और 3,000-4,000 रुपए की नौकरी 24 घंटे काम करते हैं, और वो कोई गरीब आदमी न्याय मांगने जाता है उसको हटा दिया जाता है। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आचार संहिता भी लगने वाली है, आपने आज ही प्रदर्शन किया है, आपने कदम पहले के नहीं?
हम ये अधिकारी लोग हमारे को ये नहीं देते हैं। हम गरीब लोग तबके के हैं ना, तो ये ऐश भी नहीं मिल रहा है, उसको पूछो दिन भर चकट कटाते हैं पुलिस वाले भी भाई। इनको सरकार का डर है, पता नहीं हम हमारे को तो न्याय कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हम आज ये आए भाई। हमारी बात सरकार तक कैसे भी पहुंचनी चाहिए हमारी बात सरकार। हम चाहते हैं कि ठेका पड़ता पूरी तरह से बंद हो जाए और सभी कर्मचारियों के सरकारी कर्मचारी की बराबर हमारा वेतन हो और जल्द से जल्द RLSDC बोर्ड का गठन हो और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, नोटिफिकेशन जारी हो तक हमारी मांगे पूरी की जाए। कहाँ से हैं सर? हम अजमेर राज के महिला चिकित्सालय अजमेर से। आज हमारी कहें कि हम जलदाय विभाग में ठेके के ऊपर 20-25 साल से हम काम कर रहे हैं और ठेकेदार गौर सरकार हमारी एक आदमी की तनख्वाह देती है कम से कम 22,000 रुपये और ठेकेदार हमारे को देता है 8,000 रुपये, 12 घंटे काम करवाया जाता है। हमारा मजदूरों का बहुत शोषण किया जा रहा है और कोरोना काल में भी हम कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हमारा कार्य करते हैं और हमारी सेवाएं द्वारा जनता को जल प्रदान करते हैं, जनता की प्यास बुझाते हैं। कैसी भी गर्मी और कड़ाके की धूप पड़े पर हम पीछे नहीं सरकते हैं, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनती है, न कांग्रेस सरकार ने सुनी, अभी नई सरकार भजन सरकार आई है, इसका देखते हैं क्या करती है। मैं जयपुर जलदाय विभाग ठेका कर्मचारी यूनियन इंटक अध्यक्ष महिपाल सिंह तंवर जी, हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आपकी ओर से जो जो डिसीजन लिया गया है, अन्य सरकार जो योजना है उसको आपने विस्तार से उसमें विचार विमर्श करते हुए इसमें जो RLDC जो है उसको लागू करने की आपने विचार किया है, इस संबंध में हम यही कहना चाहते हैं कि इसको ये जो आचार संहिता लगने से पहले इस इनको नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम जो ठेका पड़ता है इसके लिए जब तक जो अपना विरोध करते रहेंगे तब तक इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है RLDC जी, और हम चाहते हैं क्योंकि हमारे मुख्य समस्या ये है सर कि जो अपने काम वही डिपार्टमेंट में करता है उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग और वही पैसा है जो मात्र 7,000-5,000 रुपए में काम करते हैं, क्योंकि यही अगर नौकरी अगर कर्मचारी गवर्नमेंट कर्मचारी करता है तो 70,000-80,000 रुपये 50,000 रुपये की उसकी नौकरी होती है। महंगाई को देखते हुए अपन ये चाहते हैं कि इसके जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और ये प्रदेश से अलग अलग माध्यम से जो लोग आए हैं अपनी व्यवस्था करते हुए और जिन ठेकाओं से हम राहत चाहते हैं, ये आपसे हम गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इसके जल्द से जल्द विचार। सर मैं दौसा से आया हूँ, नगर परिषद दौसा में काम करता हूँ मैं संविदा पे। मांग ये सर हमारे RLDC बोर्ड का गठन किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुझे 10 साल हो गए सर संविदा पे काम करते करते ठेके पे और रोजाना हटाने की धमकी दी जाती है, आपको हटा दिया जाएगा, बस इतना ही कहना है। एक तो RLDC का गठन किया जाए, हमें जो सभी को वेतन गवर्नमेंट आदमी को जो वेतन मिलता है समान वेतन मिला जाए, जो जिनको जो सुविधाएं छुट्टियां मिलती है वो हमें भी मिली जाए। 6,000 रुपये में हमारा घर खर्च नहीं चल पाता है, 5,000-6,000 में क्या होता है, वो तनख्वाह भी हमें टाइम से मिल नहीं पाती। हम चाहते हैं सरकार डायरेक्टली पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, ना कि इन बीच के दलालों को पैसा दिया जाए। ये हमारा पैसा काट पीट के हमें 5,000 रुपए तक देते हैं, इससे हम खुश नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि RLDC का गठन किया जाए। सर कहाँ से आए, किन मांगों को लेकर? ठेका पड़ता बंद करने के मामले से हमें बीकानेर जिले से बज्जू से आए हैं, बज्जू तहसील से 132 बज्जू से। हमारे एक ही मांग, हमारे जी 4 साल से GSS में काम कर रहे हैं, अभी तक ना तो हमारे को वेतन बढ़ोतरी में 6,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जिससे ना हमारा कोई भरण पोषण होता ना कोई बात, और ऊपर से हमें ठेकेदार ऊपर से उत्पीड़न करता रहता है कि ड्यूटी नहीं करोगे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेटर निकाल दिया, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस चीज़ हम परेशान हो चुके हैं सर। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से आए हुए हैं, कभी साथी हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ठेकाकर्मी कर्मचारी हैं, हम कई सालों से काम कर रहे हैं 15-20 सालों से और हमारे को अभी 5,850 रुपये मात्र मिल रहा है। अब आप सोचो हमारा कैसे घर खर्च चल पा रहा है, और पिछली सरकार जो थी राजस्थान की गहलोत सरकार जो थी उन्होंने हमारे को कहा कि ठेका पड़ता समाप्त कर दिया, इतना बड़ा झूठ हमारे साथ, इतना बड़ा मजाक कि इसके हद नहीं। अभी वाली सरकार ने पिछले शनिवार को अखबारों में कहा कि हमें ना ठेका फलानी योजना के लिए करोड़ों दे रहे हैं, उसके लिए करोड़ों दे रहे हैं, और हम ठेका कर्मियों के लिए बोल रहे हैं कि 26 रुपये दे रहे हैं। भाई साहब ये कितना बड़ा मजाक है, आप सोचो एक श्रमिक के लिए मजाक है कि नहीं है ये? बाकी योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए और हमारे लिए सिर्फ 26 रुपए। भाई साहब ठेका पड़ता में शोषण हो रहा है, हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है, हम परमानेंट कर्मचारी से अधिक काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलते। सरकारी कर्मचारी को 1 तारीख होते ही तनख्वाह आ जाती है, हमारी तनख्वाह 1-1.5 महीना बीत जाता है,
और अगर हम कोई धरना प्रदर्शन या इसमें जाते हैं तो हमारे को डराया धमकाया जाता है, हमारी तनख्वाह काटने की कहते हैं।